और एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के छात्र आपस में भिड़ गए। मारपीट में कई छात्र घायल हुए। अस्पताल में भर्ती किए गए लेफ्ट के छात्रों पर मारपीट का आरोप है। जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर हुआ था विवाद। तो लेफ्ट के छात्रों पर आरोप लगा है एबीवीपी के छात्रों ने। देर रात हुई मारपीट, कई छात्र घायल भी हुए हैं और आरोप लगाया गया है लेफ्ट के छात्रों पर। तस्वीरें आप देखिए, ये मारपीट हुई थी और ये भी कहा गया कि डफली से हमला किया गया लेफ्ट के छात्रों की तरफ। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी हुए। पहले से ही लेफ्ट पार्टीज का ये इंटेंशन साफ कर रखे थे कि उन्हें वायलेंस करना, चाहे आईसा हो, एसएफआई हो, डीएसएफ हो, बापसा हो, ये सारे पार्टियां वहाँ पे खड़ी थी। जब उस तरफ से कॉमन स्टूडेंट जब आ रहे थे, आकर वहाँ पे खड़े हुए, तो हुटिंग स्टार्ट उन्होंने किया। हुटिंग किया, उनके पास डफली थे तो लोहे के कील जैसा वो डफली होता, डफली से उन्होंने एक को पिंच मारा। इसमें बहस होने लगी। ये लेफ्ट संगठन और बाकी अन्य संगठनों द्वारा एबीवीपी के ऊपर गाली ग्लौज तथा उनको उकसाने का काम स्टार्ट करके और साथ ही साथ उन्हें धक्का मुक्की करने लगे। उनका बस यही है कैंपस में कि वो केवल और केवल अपना लेफ्ट ओरिएंटेड और लेफ्ट की राजनीति जो बाकी अन्य राज्यों में करते आ रहे हैं, वो जेएनयू और आम छात्रों के बीच में वो थोपना चाहते हैं।